हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने साइंस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज होने से मैटर ऑफ स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज हमें, वैसे तो हमने इसमें कर लिया था, पर थोड़ा सा एक टॉपिक इसका बचा था, दो इसमें टॉपिक छोटे छोटे से बच गए थे, वो हमें समझ लेना है इसमें। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में टेम्परेचर का बता दिया था। वैसे मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टेट चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैंने बताया था आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो सॉलिड जो है लिक्विड बन जाता है, टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है। अब इसका उल्टा, जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस जो है लिक्विड बन जाता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। तो ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में समझ लिए थे। ठीक है, आज मुझे जो कराना है वो इसी के थोड़ा सा आगे जो छूट गया था वो मैं बता देता हूं कि इसी में क्या होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस में ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भाई दो बीकर है, एक में आइस है और एक में वाटर है, और दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन, किस में ज्यादा एनर्जी होगी और किस में कम एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इसमें से किस में ज्यादा एनर्जी होगी और किस में कम एनर्जी होगी। तो इसका जवाब आपको क्या देना है कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज हायर एनर्जी देन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच आइस एंड वाटर, विच ऑफ द वन हैव लार्जर एनर्जी। ठीक है ना, इनमें से किस में ज्यादा एनर्जी है, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब ये होगा कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में लिखा होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये आपका लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको आंसर देना है एट, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, विच हैज हायर एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर, आइस और वाटर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको आंसर देना है वाटर हैज हायर एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो क्योंकि इसमें लेटेंट हीट के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है, इसमें लेटेंट हीट के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसलिए वाटर की एनर्जी आइस की एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आइस भी 0 डिग्री पे है, वाटर भी 0 डिग्री पे है। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि दोनों 0 डिग्री पर है, पर मैंने बताया था कि जब तक, अगर आप आइस को जैसे गर्म करते हैं तो जब तक ये आइस पूरी तरह से वाटर में चेंज नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब जब आप आइस को गर्म करते हैं तो जो आप हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो हीट एनर्जी
कहाँ इस्तेमाल होती है, वो हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल होने की बजाय वो उसके स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें लग जाती है उसके उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए। इसलिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किसमें ज्यादा एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि वाटर में ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, वाटर में ज्यादा एनर्जी है आइस के मुकाबले, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट के फॉर्म में इसमें एनर्जी होती है, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्म में इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसलिए वाटर की एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को वो एक और तरह से पूछ सकते हैं, ये तो एनर्जी पूछ लिया, अगर इनसे इसमें ये आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन ज्यादा ठंडा है, अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई मतलब कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो कर सकता है, कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो कर सकता है, 0 डिग्री पे वाटर या 0 डिग्री पे आइस, तो इसका आंसर सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, आइस, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, आइस, क्योंकि इसमें जिसमें कम एनर्जी है वो ज्यादा ठंडा होगा, जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो थोड़ा गर्म होगा, ठीक है भले ही दोनों 0 डिग्री पे, पर कौन ज्यादा कूलिंग में इफेक्टिव है, कूलिंग में इफेक्टिव ज्यादा आइस है, क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी जो है वो कम है, और दूसरी तरफ जो वाटर है उसमें एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो उसमें मतलब कूलिंग में कम इफेक्टिव है, सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी वो थोड़ा गर्म होगा, ठीक है ना, मतलब उसकी हीट उसके फॉर्म में उसकी एनर्जी उसके अंदर है, इसलिए वो थोड़ा क्या नाम है, कम कूलिंग इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन जो था जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड था, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से रिलेटेड आता है, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि किसमें मतलब किसमें ज्यादा एनर्जी है, 0 डिग्री पर आइस में या 0 डिग्री पर वाटर में, अब हम बात करते हैं, फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं, विच हैज मोर एनर्जी, एट 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस में किसमें ज्यादा एनर्जी होती है, वाटर और स्टीम, सॉरी, तो वाटर या स्टीम किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, हिंदी में बोला जाए तो जल या भाप किसमें ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, वाटर में या स्टीम में, तो भाई इसका आंसर, अब यहां पे भी देखो, जैसे अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करी, इसमें क्या लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि भाई अब देखो 100 डिग्री पे बात हो रही है कि 100 डिग्री पे पानी, आपने ये मान लो वाटर है आपके पास एक बीकर के अंदर, और इसको आपने बॉईल किया है, और बॉईल करने की वजह से इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम भी है, ये स्टीम जो है ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, ये वाटर है और ये स्टीम है, कौन किस, तो इसमें कह रहा है कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो सीधी सी बात है कि स्टीम हैज मोर एनर्जी, स्टीम हैज मोर एनर्जी एट 373 केल्विन बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसलिए स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है और वाटर की एनर्जी कम होती है। अरे यहां पे भी तो वही चीज लग रही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी, आप इसको गर्म कर रहे हो तो ये 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद जो
वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि उसके बाद जो आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। इसके बाद जो आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हो वो उसको वाटर से स्टीम में चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, यानी कि उसका स्टेट चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद की एनर्जी इसके स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टीम में ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो जा रही है वो स्टीम के फॉर्म में, मतलब हीट के एनर्जी जो है वो स्टीम में यूज हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टीम में ज्यादा एनर्जी है और वाटर में कम एनर्जी है। ये बात आपको समझ में आ गई, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, कि कहते हैं कि कौन सा ज्यादा गर्म होता है, विच प्रोड्यूस सेवर हीट। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कहने का मतलब है, हिंदी में कहें तो किसमें ज्यादा जलन होती है, अगर आपका हाथ या किसी, आपका नहीं मतलब सॉरी किसी का भी हाथ अगर किसमें आ जाए, वाटर, बॉइलिंग वाटर में आ जाए या दूसरे का किसी का स्टीम में आ जाए। ठीक है, तो किसमें ज्यादा जलन होती है, बॉइलिंग वाटर में या स्टीम में? तो आप खुद सोचें इसमें से क्या आंसर होगा, बॉइलिंग वाटर में ज्यादा जलन होगी या स्टीम में ज्यादा जलन होगी? तो इसका आंसर है स्टीम। एक तरह से यही पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा हीट है, किसमें ज्यादा हीट होगा, तो इसका आंसर होगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बिकॉज इट हैज, फिर से वही लिखना, एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना, इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसलिए स्टीम जो है वो ज्यादा जलन प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा गर्म कौन होगा, उसका स्टीम। क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा क्या होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यही एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मेरे को बताने रह गए थे लास्ट क्लास में, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कि लेटेंट हीट से जुड़े जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे, कि मतलब ये आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अभी इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो पढ़ ही लिया था, अब जो हमें पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उससे स्टेट ऑफ मैटर किस तरीके से चेंज होता है, तो वो हमें समझना है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि हमने सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में किया था, तो जो इनके बीच में रिलेशन है ना, ड्यू टू मतलब इफेक्ट ऑफ, हमें जो प्रेशर समझना है वो बिल्कुल उल्टा होता है टेम्परेचर से। जैसे हमने टेम्परेचर में क्या किया था, कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो सॉलिड चेंज हो गया था लिक्विड में, और टेम्परेचर बढ़ाने में लिक्विड चेंज हो गया था गैस में, और फिर हमने जब टेम्परेचर कम किया था तो गैस चेंज हो गया था लिक्विड में, और टेम्परेचर कम किया था तो लिक्विड चेंज हो गया था सॉलिड में। पर यहाँ पे उससे उल्टा होता है, कि आप जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर को घटाने पर, प्रेशर घटाने पर लिक्विड जो है, सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है, और प्रेशर घटाने पर, और प्रेशर घटाने पर लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है, और प्रेशर बढ़ने पर, प्रेशर बढ़ने पे गैस जो है लिक्विड बन जाता है, प्रेशर को और बढ़ाने पर लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है। तो उल्टा रिलेशन, जैसा सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में टेम्परेचर का जो रिलेशन था उससे उल्टा। ठीक है ना, कि प्रेशर को घटाने पे
सॉलिड लिक्विड बन जाता है, और घटाने पे लिक्विड गैस बन जाता है, और प्रेशर को बढ़ाने पे गैस लिक्विड बन जाता है, और बढ़ाने पे लिक्विड जो है सॉलिड बन जाता है। आइए इसको समझते हैं एक बार अच्छे से कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर इसको मैं समझना चाहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर मैं इसके लिए एक बना दूँ कि मेरे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर में क्या है पार्टिकल, गैस, गैस पार्टिकल्स हैं। अब आपने क्या किया, गैस पार्टिकल के ऊपर से आपने प्रेशर लगाया, ये आपने किसी चीज से प्रेशर लगाना चालू किया। तो हमने बात करी थी इस बारे में कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और मैंने आपको एक कंप्रेशन नाम का भी टॉपिक पढ़ाया था, और मैंने यही बताया था कंप्रेशन में क्या होता है कि जब हम किसी मैटर के पार्टिकल्स को प्रेशर लगा के जब पास ले आते हैं और उससे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, तो उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो वही कंप्रेशन हमें समझना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, वही कंप्रेशन ही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें कंप्रेशन ही हो रहा है कि जब ये गैस पार्टिकल है, आप इसको इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल दूर दूर है ना, ये पार्टिकल पास पास आने लग जाएंगे। जब आप इस पे प्रेशर लगाएंगे तो जो पार्टिकल दूर दूर थे, अब वो पार्टिकल थोड़े पास पास आ जाएंगे। तो जब गैस के पार्टिकल दूर थे, आप इस गैस के पार्टिकल को पास ले आए, तो आपने प्रेशर को बढ़ाया, जिससे गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। प्रेशर बढ़ाने पर गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, अब इस ये लिक्विड के ऊपर आप और प्रेशर लगाएंगे ना, और ज्यादा दबाओ इसको, तो और ज्यादा दबाने से, और ज्यादा प्रेशर लगाने से इसके पार्टिकल और ज्यादा पास आ जाएंगे। तो लगभग इसके पार्टिकल पूरी तरीके से पास आ जाएंगे और इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस बन जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। यानी कि प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाया गया तो वो क्या बन गया, सॉलिड। तो जब लिक्विड के ऊपर आप और प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं गैस के, आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो गैस जो है क्या बन जाता है, लिक्विड। आप उस पर और ज्यादा प्रेशर लगाते हो, और ज्यादा प्रेशर लगाने से उसके पार्टिकल्स और ज्यादा पास आ जाते हैं, और उस वजह से वो लिक्विड क्या बन जाता है, सॉलिड। और अगर हम इसका उल्टा करें, अब इस पे से अगर मैं प्रेशर हटाने लग जाऊं, अगर मैं प्रेशर हटाऊंगा तो ये पार्टिकल फिर से दूर हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा इस पे से प्रेशर हटाऊंगा तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉलिड वापस किस में चेंज जाएगा, लिक्विड में। मैं इसके ऊपर से और ज्यादा प्रेशर हटा दूंगा तो पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, और वापस वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सॉलिड पे प्रेशर घटाने पे वो लिक्विड बन जाता है, और प्रेशर घटाने पे वो गैस बन जाता है, गैस में प्रेशर बढ़ाने पे वो लिक्विड बन जाता है, और प्रेशर बढ़ाने पे वो सॉलिड बन जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी टॉपिक में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस क्या होता है, शुष्क बर्फ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके ऊपर हम प्रेशर बढ़ा के उसे किस में चेंज कर देते हैं, सॉलिड में। ठीक है, तो जब गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप इस पे प्रेशर लगा के, ठीक है, आप इस पे प्रेशर बढ़ा देते हैं ना, तो टेम्परेचर कम कर देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम कर देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने की वजह से उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और ये गैस जो है सॉलिड में चेंज हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस, और इसको मैं सॉलिड CO2 भी बोल सकता हूँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस जो होता है हमारा, एक्चुअल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर
प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके। जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आइस की फॉर्म में जम जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ड्राई आइस, यानी कि सॉलिड CO2, और हिंदी में इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ड्राई आइस, तो आप इसका आंसर अब दे सकते हैं कि ड्राई आइस क्या होता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ड्राई आइस होती क्या है और ये किस काम में आती है, ठीक है। फिलहाल एक बात और समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को, जब हम हाई प्रेशर में रखते हैं और लो टेम्परेचर में रखते हैं तो वो ड्राई आइस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इस पे से, अब ये जो ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस, इस पे से अगर आप प्रेशर हटा देंगे, जैसे इसको खुले एयर में रख देंगे, तो ये वापस किस में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस पे से प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, इधर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो ड्राई आइस बन गया, अब जब वापस प्रेशर रिड्यूस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि ड्राई आइस को अगर आप खुले में रख देंगे, बाहर रख देंगे, तो ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये ड्राई आइस होता क्या है और किस काम में आता है। ये आपको समझ में आ गया कि प्रेशर का ड्राई आइस से क्या रोल है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, पहली बात तो ड्राई आइस होता क्या है कि ड्राई आइस का एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे कैसे किया जाता है, ये कैसे बनता है, जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है और उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। और अगर आप वापस इसके ऊपर से प्रेशर हटा देंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ड्राई आइस होता है ना, ये किस काम में आता है, एक्चुअल में ये जो ड्राई आइस होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल बर्फ से ज्यादा ठंडा होता है, जो आप लोग घरों में पानी से जमाते हैं बर्फ, उससे ज्यादा ठंडा होता है ये ड्राई आइस। तो एक्चुअल में ये ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है डीप फ्रीजिंग के लिए। किसके लिए, डीप फ्रीजिंग के लिए। जैसे किसी खाने की चीज को जब ज्यादा समय के लिए हमें रखना होता है तो उसे हम किस में रखते हैं, ड्राई आइस में, ठीक है, हम उसे ड्राई आइस में रखते हैं ताकि वो ज्यादा ठंडा हो जाए, ज्यादा ठंडा होने की वजह से वो ज्यादा समय तक के लिए सही रह सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कई बार वो बहुत ज्यादा ठंड में नहीं रह सकते, ठीक है ना, तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो नहीं रह सकते, इसलिए हम वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि ड्राई आइस जो होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और उस बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर तक जाने के लिए हमें ड्राई आइस का इस्तेमाल करना होता है, तो डीप फ्रीजिंग के लिए हम ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। और ड्राई आइस का इस्तेमाल आप कहां करते हैं, जैसे आपने देखा है जो आइसक्रीम को रखने के लिए, ठीक है ना, आइसक्रीम जिस कंटेनर में या जिस बॉक्स में रखी जाती है तो वो भी ड्राई आइस के, मतलब उसके चारों तरफ क्या होता है, ड्राई आइस, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो ठंडा रहे, ठीक है ना, पिघले नहीं, क्योंकि नॉर्मल बर्फ पिघल जाती है पर ड्राई आइस जो है वो पिघलती नहीं है अगर टेम्परेचर कम रखा जाए और प्रेशर बढ़ाया जाए, तो ड्राई आइस पिघलेगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी आइसक्रीम है वो खराब नहीं होगी। और वैसे भी आइसक्रीम को 0 डिग्री से और कम में हमें रखना पड़ता है, तो ज्यादा ठंडी प्रोवाइड करने के लिए हमें ड्राई आइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा पूरी तरह से ड्राई आइस किस चीज में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इवेपोरेशन, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो है डिफरेंस, पहली बात तो इवेपोरेशन समझ लेते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं वाष्पन, ठीक है। फिर हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन, ठीक है। और इस वेपोराइजेशन को हम कई बार बॉइलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कथवन और इसको बोलते हैं वाष्पन,
पहली बात तो इवेपोरेशन होता क्या है? तो इवेपोरेशन का मतलब है जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले इवेपोरेट हो जाती है, पहले ही वेपर में चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले स्टीम में चेंज हो जाती है, यानी लिक्विड से किस में चेंज हो जाती है, गैस में, उसे हम कहते हैं क्या? इवेपोरेशन। ठीक है, आइए समझते हैं। आपने घर में कभी किया होगा, जैसे आपने कभी पानी उबाला हो, या आप जब चाय बनाते हो, या आपने कभी खाना बनाने की कोशिश की हो, तो आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो उबलने से पहले ही उसमें से धुआं निकलने लग जाता है। यानी कि जैसे कि अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसमें तो हमने यही पढ़ा था कि जब पानी उबलता है तब उसमें से वो इवेपोरेट होता है और तब वो हम बॉइलिंग होती है और वो किसमें, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। पर एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो हमने ये चीज़ देखी है कि वाटर जो है बॉइल होने से पहले भी इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। कभी आप पानी गर्म करके देखना तो वो उबलने के लगता है पानी, उससे पहले ही भाप निकलने लगती है। जब पानी थोड़ा सा भी गर्म होता है ना, उसी टाइम में उसमें से भाप निकलने लग जाती है। यानी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट होना शुरू हो रहा है। तो ये कैसे होता है, ये बात समझ में आ रही है? पहली बात तो वही जो प्रोसेस है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले जो इवेपोरेट हो रहा है उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले जब वाटर जो है या लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, कैसे बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे चीजें इवेपोरेट हो जाती हैं, तो इसको आप समझेंगे कि होता क्या है ना, कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल है ना, अपने बॉइलिंग पे पहुंचने से पहले ये अपने आसपास की एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को इतना काइनेटिक एनर्जी इतनी कर लेते हैं जिससे उसके जो इंटर पार्टिकल फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि वो अपने आसपास की एनर्जी इकट्ठा करते हैं और उस आसपास की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है इंटरपार्टिकल एनर्जी से, इंटरपार्टिकल एनर्जी बोल लो, इंटरमोलिकुलर एनर्जी बोल लो, या कोहेसिव फोर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। मैंने आपको बताया है कि इनका नाम, ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं या इंटरपार्टिकल एनर्जी बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा हो जाती है ना, इससे क्या हो जाती है, ज्यादा, तो पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो यही इसमें होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं अपने आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके, अब होता क्या कि भाई लिक्विड के पार्टिकल एक फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, लिक्विड के पार्टिकल एक फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो उसके जो आपस में अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है ना उसको तोड़ देती है, और उसको तोड़ के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और जब लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं तो वो गैस बन जाते हैं, और गैस बनने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट। यानी कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे कि वो ये इवेपोरेशन है तो ये क्या है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद है। ठीक है, अब आपको पता है जब तक पानी पूरी तरह से नहीं उबलता तो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता, थोड़ा थोड़ा वाटर जो है वो गैस में चेंज होता है। बट जब पानी पूरी तरह से उबल जाता है तो उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी कि वाटर से गैस, यानी लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, और हिंदी में बोला जाता है कथवन। हिंदी में क्या बोला जाता है, कथवन। तो अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस बोलूं कि बॉइलिंग या वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो इनके बीच में यही डिफरेंस है कि इसमें लिक्विड से
इसमें जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। मतलब इसमें जो लिक्विड है वो गैस में 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होता है, और इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो गैस में 100 डिग्री से कम में चेंज हो जाता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसमें लिक्विड जो है वो गैस में 100 डिग्री से पहले ही चेंज हो जाता है, या लिक्विड की बात ना करें, सॉरी यहाँ पे 100 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं लिक्विड बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूँगा, बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी। अगर मैं पर्टिकुलरली वाटर की बात करूँगा तब मैं 100 डिग्री लिखूँगा तो सही रहेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि बॉइलिंग या वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है गैस में चेंज होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस जो चेंज होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम में, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट चाहे अगर वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 से कम में ही हो जाएगा, ठीक है। पर वेपराइजेशन जो होता है वो 100 में पहुंचने के बाद ही होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, डिफरेंस इनके बीच में बस एक ही है, ठीक है। तो अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। पर ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक रिवाइज कर लेना, इसके आगे जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।